हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रबड़ी केक या मलाई केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाने के लिए आपको मार्केट से किसी भी तरह की फैंसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही इजीली आप इसे बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी काफ़ी अमेजिंग होता है। तो मैं रेसिपी शेयर करूं, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर बेकिंग के लिए मैं सबसे पहले एक डिश रेडी कर रही हूँ। उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं तो आप किसी प्लेन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं साइड्स को भी लाइन कर रही हूँ क्योंकि साइड्स लाइन करने से केक का जो साइड वाला पोर्शन होता है वो हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट ही रहता है। बटर पेपर लगाने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और ये हमारा जो डिश है वो रेडी है। यहाँ पर मैंने 6x6 का एक स्क्वायर डिश लिया है। आप चाहें तो किसी राउंड डिश या स्टील या एल्युमिनियम की भी डिश को यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग के लिए एक पैन को यहाँ पर मैं स्लो हीट पर लगा रही हूँ। आप चाहें तो अवन भी यूज़ कर सकते हैं। एक मिक्सिंग बोल में यहाँ पर मैं 50 ml के अराउंड रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। रिफाइंड ऑयल आप ऐसा यूज़ कीजिए कि जिसमें कोई स्मेल ना हो। फिर उसमें थोड़ा सा मलाई डाला है, घर की जो आप निकालते हैं मलाई वो डाल दीजिए। इसमें 4 चम्मच दही डाल रही हूँ, 4 tablespoons के अराउंड दही है। दही की जगह आप बटर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा केसर डाला है जिसको मैंने थोड़ी देर भिगो कर रखा था। अब इसी में पाउडर्ड शुगर को ऐड कर रही हूँ। वेट में आप अगर इसे देखेंगे तो ये 90 ग्राम के लगभग है। अब इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कम से कम आप इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लें ताकि एयर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि चीनी जो है वो घुल जाए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, उसमें एक छन्नी प्लेस कर दिया है और डाला है 150 ग्राम्स के लगभग मैदा। उसमें 1.5 teaspoons बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा। अब इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के प्रोसेस से किसी भी तरह का जो लम्ब्स होता है या किसी भी तरह का गंदगी अगर है आपके मैदे में वो निकल जाएगा और बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाएगा। छानने के बाद भी आप इसे इस तरह से मिक्स कर लें ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वेट इंग्रेडिएंट्स में 3-4 tablespoons के अराउंड मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लूँगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम और मिल्क ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना मिल्क अभी इसमें ऐड करके रखूँगी और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसे स्लोली मिक्स करना है। देखिए मैं जिस तरह से मिक्स कर रही हूँ, इसे इस तरह से राउंड घुमाना है, बीच से काटना है, फिर राउंड घुमाना है, बीच से काटना है। इस प्रोसेस से क्या है कि हमारा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से फूलेगा। तो आप जब भी मिक्स करते हैं वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत तेज़ आपको नहीं फेंटना है, नहीं तो उससे क्या है कि जो भी केमिकल प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मिक्स करने के बाद भी हमारा बैटर जो है वो अभी भी थिक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली होनी चाहिए। तो मैं इसमें 2 tablespoons दूध और मिक्स कर रही हूँ और इसे फिर से स्लोली मिला लूँगी। मिल्क को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए और मिक्स करना चाहिए क्योंकि मैदे की भी क्वालिटी अलग होती है और इस प्रोसेस से हम अपने बैटर के कंसिस्टेंसी को भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार में मिल्क डाल दीजिएगा तो मिक्स भी नहीं हो पाएगा ढंग से और आपको कंसिस्टेंसी का भी आइडिया नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिल्क डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इस तरह की रिबन टेक्सचर की अगर कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब आपका बैटर बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। सबसे लास्ट में इस बैटर में मैंने 1 teaspoon विनेगर डाला है, उसे इस तरह से मिक्स कर लिया है। विनेगर हमें हमेशा लास्ट में ही डालना है। आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। उस प्रोसेस से देखिए हमारा बैटर थोड़ा सा फूल भी गया है। अब इसे फटाफट हम डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए आप जब भी बैटर प्रिपेयर करते हैं तो बैटर प्रिपेयर करने से पहले आप किसी भी पैन को या अवन को प्री हीट पर ज़रूर लगा दें क्योंकि इस प्रोसेस से जब आपका बैटर रेडी हो जाता है तो आप उसे फटाफट बेकिंग के लिए लगा सकते हैं। केक बैटर को प्री हीटेड पैन में मैंने लो फ्लेम पर बेकिंग के लिए लगा दिया है। बेकिंग के प्रोसेस में 30-40 minutes लग जाते हैं। 30 minutes पे आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम रबड़ी प्रिपेयर कर लेंगे। एक बड़े पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, उसके बाद मैं फुल फैट मिल्क यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। 750 ml के अराउंड मिल्क यहाँ पर है।
बड़ा पैन यूज़ करने का रीज़न ये है कि इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत जल्दी होगा और हमें जो है रबड़ी बनाने में कम टाइम लगेगा। रबड़ी को आपको फुल फ्लेम पे ही बनाना है ताकि जो दूध का इवेपोरेशन प्रोसेस है या सूखने का जो प्रोसेस है वो फटाफट हो जाए। और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी सी पाउडर्ड इलायची और थोड़ा सा केसर जो मैंने पहले से भिगो करके रखा है। और इस प्रोसेस में आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि आपका दूध जो है वो उबल करके नीचे ना गिर जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर से जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ करिएगा। इसके साइड्स को इस तरह से स्क्रेप करते रहना है क्योंकि इसमें जो मलाई निकलती है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैं इसमें 2 टेबलस्पून ही शुगर डाल रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर डाल सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे स्पून से चेक कर ली हूँ। जब स्पून जो है इस तरह से कोट हो जाए तो समझिए कि आपकी रबड़ी जो है रेडी है। मैंने मिल्क को सुखा करके आधे से भी कम कर दिया है। लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वनीला एसेंस। दूध को आपको बहुत ज़्यादा भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाद में थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी रबड़ी जो है वो रेडी है। मैं केक को 35 मिनट्स पे एक बार चेक कर रही हूँ। तो देखिए हमारा केक जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसके साइड्स जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा केक बेक हो गया, वो देख कर ही पता चल रहा है। फिर भी मैं टूथपिक डाल के देख रही हूँ, अगर वो टूथपिक क्लीन निकले तो समझिए आपका केक रेडी है। इसे मैंने बहुत केयरफुली निकाल लिया है, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद मैं केक को इस तरह से डिमोल्ड कर रही हूँ। केक को हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें रबड़ी पोर करना है, तो रबड़ी अच्छी तरह से केक में अब्सॉर्ब हो जाए उसके लिए केक हल्का गर्म होना चाहिए और रबड़ी भी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। तो देखिए मैंने पार्चमेंट पेपर हटा दिया है और हमारा केक जो है बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए ये बेक हो गया है। इसे मैं वापस से इस डिश में डाल रही हूँ ताकि मैं रबड़ी इसी में पोर कर सकूँ। अब एक फोक के हेल्प से हमें केक को इस तरह से प्रिक कर देना है। आप या तो फोक से कर सकते हैं या टूथपिक से कर सकते हैं या नाइफ से भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस से जब हम इसमें रबड़ी डालेंगे तो वो केक को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लेगा और हमारी जो रबड़ी है वो केक के अंदर तक चली जाएगी। अब फाइनल प्रोसेस में मैं रबड़ी को केक के ऊपर इस तरह से पोर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि रबड़ी की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो ये केक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा पतली होगी तो भी अच्छा नहीं होगा। इसको मैं ड्राई फ्रूट से इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। गार्निश के लिए आप पिस्ता या बादाम या काजू सबको पतले पतले स्लाइसेस में काट लें और इसे इस तरह से गार्निश कर लें। अब इसे फ्रिज में 30-40 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। देखिए ठंडा होने के बाद हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से रबड़ी को अब्सॉर्ब करके थोड़ा सा फूल सा भी गया है। इसे मैं इक्वल पीसेस में इस तरह से काट रही हूँ। काटने के प्रोसेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो मैं इसे थोड़ा बड़े पीसेस में काट रही हूँ। तो रबड़ी जो है वो केक के अंदर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गई है। कट करने के बाद यहाँ पर मैं एक पीस निकाल करके देख रही हूँ, तो इसे काफ़ी केयरफुली निकालना है आप, क्योंकि केक और भी सॉफ्ट हो जाता है। देखिए हमारा केक जो है कितना डिलीशियस और कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और हम जो मार्केट के लाए हुए टिपिकल केक्स खाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और काफ़ी अमेजिंग होता है। ये मिठाई एंड केक दोनों का मिक्सचर है एक तरह से, आप ऐसा समझिए। अब इसे फाइनल सर्विंग पे लगा रही हूँ। तो मैंने जो रबड़ी प्रिपेयर करके रखा था उसको मैंने पूरा केक में नहीं डाला है, थोड़ा सा रबड़ी मैंने बचा करके रख लिया था। फाइनल सर्विंग में हम इसे रबड़ी को इस तरह से पोर कर देंगे, फिर उसे ड्राई फ्रूट से थोड़ा गार्निश कर लें। फ्रेंड्स देखिए घर में ही अवेलेबल सामानों से आप इसे ईजिली बना सकते हैं। किसी भी स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडे, फेस्टिवल्स, ये सब में आप इसे फटाफट बना सकते हैं और इसकी टेस्ट भी काफ़ी अमेजिंग होती है। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।